बुल्ली बुल्ली के घर में सब्जियां खत्म हो गई है, इसलिए ये लोग सोन के साथ सब्जी लाने के लिए बाजार जा रहे हैं। तभी बुल्ली अचानक से गाड़ी को रोक देता है। सोन कहता है, क्या हुआ बुल्ली, तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोका? कहीं तुम हमेशा की तरह घर से पैसे लेना तो नहीं भूल गए? नहीं सोन, मैं तुम्हारे जैसा भुलक्कड़ थोड़ी ना हूँ। मैंने तो यहाँ गाड़ी इसलिए रोका है क्योंकि मेरा मनपसंद चीज मुझे दिख गया है। जरा ऊपर तो देखो क्या है। बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली और सोन ऊपर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ तो एक आम का पेड़ है जिसमें बहुत सारे आम भी लटके हुए हैं। इतने सारे आम को देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सोन कहता है, अच्छा हुआ बुल्ली कि आज तुम हमें इस जंगल वाले रास्ते से लेकर आए हो। चलो अब बिना देर किए सारे आम तोड़ लेते हैं। ये कहकर ये लोग आम तोड़ने के लिए पेड़ के पास आ जाते हैं। गुल्ली कहता है, इस पेड़ में तो बहुत सारे आम हैं, लेकिन हम लोग ये सारे आम तोड़ेंगे कैसे? क्या तुम इस पेड़ पे चढ़ सकते हो सोन? लेकिन गुल्ली, हमें इस पेड़ पे चढ़ना ही क्यों है? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, हम लोग तो यहीं से पत्थर मारकर सारे आम तोड़ सकते हैं। हाँ सोन, लेकिन हमें यहाँ पत्थर कहाँ मिलेगा? ये कहकर ये लोग इधर उधर पत्थर ढूंढने लगते हैं। बुल्ली कहता है, लगता है सोन तुम थोड़े थोड़े अंधे हो रहे हो। देखो पत्थर तो यहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन बताओ तुम्हें ये दिख ही नहीं रहा है। बुल्ली, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पत्थर तो गुल्ली को भी नहीं दिखा, लेकिन तुम सिर्फ मुझे ही अंधा क्यों बोल रहे हो? गुल्ली को भी बोलो। गुल्ली कहता है, अरे सोन अब ये सब बातें छोड़ो और ये सोचो कि हम में से सबसे अच्छा निशाना किसका है जो एक पत्थर में ही एक आम तोड़ सके। वैसे मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूँ, निशाना चाहे किसी का भी अच्छा हो गुल्ली, लेकिन आम तो मैं ही तोड़ूंगा। वैसे बुल्ली ने मुझे अंधा बोला है तो मुझे इससे बदला भी तो लेना है। ये कहकर सोन आम तोड़ने के लिए पत्थर उठाने लगता है। पत्थर उठाते ही सोन इस पत्थर को आम की तरफ फेंकता है, ये सोचकर कि एक ना एक आम पक्का टूटेगा। लेकिन पत्थर आम को लगकर सीधा बुल्ली के ऊपर गिर जाता है, जिससे बुल्ली के सर पे चोट लगता है और ये गिर जाता है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि बुल्ली को कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए ये उठकर खड़ा होने लगता है। उठते ही बुल्ली सोन से गुस्से में कहता है, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है सोन, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर पत्थर गिराया क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं बुल्ली, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा, मुझे थोड़ी ना पता था कि आम को लगकर पत्थर तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। चलो अब ये सब बातें भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। बुल्ली कहता है, तुम्हें दो थप्पड़ मारे बिना मैं ये सब कैसे भूल जाऊं सोन? ये कहकर बुल्ली सोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सोन यहाँ से भागने लगता है और बुल्ली भी सोन के पीछे भागने लगता है। बुल्ली तो इतने गुस्से में लग रहा है कि अगर सोन गलती से भी पकड़ा गया तो पता नहीं इसका क्या होगा। ये लोग भाग दौड़ कर ही रहे थे कि तभी इस पुराने हॉस्पिटल से कोई बाहर आता है। बुल्ली और सोन इस आदमी को देखकर रुक जाते हैं। तभी ये आदमी कहता है, तुम लोगों ने बिना मुझसे पूछे मेरे आम के पेड़ से आम तोड़ने की हिम्मत कैसे की? तुम लोगों को मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। बुल्ली कहता है, नहीं नहीं अंकल, हमने अभी तक एक भी आम नहीं तोड़ा है, चलो बुल्ली और सोन यहाँ से चलते हैं। अरे अरे तुम लोग तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, माना कि ये आम का पेड़ मेरा है, लेकिन मैंने आज तक किसी भी बच्चे को आम तोड़ने से मना नहीं किया है। सोन खुश होकर कहता है, गुल्ली बुल्ली इसका मतलब हम लोग आम तोड़ सकते हैं, अंकल हमें कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले मेरी बात सुनो, ये सारे आम तुम लोग किसी और दिन तोड़ लेना, आज मैं तुम्हें पहले से ही टूटे हुए आम देता हूँ। अभी जो थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी उसके कारण बहुत सारे आम टूट कर गिर गए थे और मैं आम खाता नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो सारे आम उठा कर रख लिया है। चलो मैं तुम्हें वो दे देता हूँ, आओ मेरे पीछे। बुल्ली कहता है, अरे वाह गुल्ली और सोन, अब तो हमें आम भी नहीं तोड़ना होगा, चलो जल्दी अंकल से वो टूटे हुए आम ले लेते हैं। ये कहकर ये लोग इस आदमी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन को आम इतना पसंद है कि ये लोग ये भूल ही गए कि हॉस्पिटल के अंदर ये तीनों किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आते ही ये आदमी गुल्ली बुल्ली और सोन को सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाने लगता है। ऊपर आते ही ये आदमी कहता है, चलो अब हमें और ऊपर जाना है, मैंने सारे आम ऊपर ही रखा है। ये कहकर ये आदमी ऊपर चला जाता है। तभी गुल्ली बुल्ली और सोन देखते हैं कि ये फ्लोर तो पूरा खाली है, लगता है इस हॉस्पिटल में इस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं रहता है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि इसके ऊपर वाले फ्लोर में ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इस हॉस्पिटल में अब इन लोगों को थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा है। अरे ये क्या, ऊपर आते ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे डेड बॉडी पड़े हुए हैं और वो आदमी भी कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन को ये नहीं पता है कि इन लोगों के पीछे कोई खड़ा है। तभी ये कौवे जैसा दिखने वाला इंसान कहता है, एक भी यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए, मार दो इन सबको। ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन जब पीछे पलटकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ तो प्लेग्यू डॉक्टर है जो लोगों को मारकर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता है, और वो आदमी जिसने इन लोगों को यहाँ लाया है उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू है। तभी ये आगे बढ़ने लगता है, जल्दी भागो गुल्ली और सोन। ये कहकर बुल्ली नीचे चला जाता है, लेकिन गुल्ली और सोन भागते हुए बालकनी में जाने लगते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि वो आदमी इन लोगों को पकड़ लेगा। लेकिन बालकनी में आकर गुल्ली और सोन ने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि प्लेग्यू डॉक्टर और ये आदमी गुल्ली और सोन को मारने के लिए बालकनी में जा रहे हैं। अरे ये क्या, गुल्ली और सोन तो बालकनी में रखी हुई सीढ़ी को लगाकर छत के ऊपर जा रहे हैं। कुछ ही देर में प्लेग्यू डॉक्टर और ये आदमी यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आते ही इन लोगों को पता चलता है कि गुल्ली और सोन तो यहाँ है ही नहीं, वो लोग कहाँ चले गए। तभी प्लेग्यू डॉक्टर ये समझ जाता है कि गुल्ली और सोन छत के ऊपर गए हैं क्योंकि पहले ये सीढ़ी यहाँ नहीं थी।
जाओ उन लोगों को पकड़ कर लाओ, वो लोग छत के ऊपर हैं। ध्यान रहे उनमें से एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ उस लड़के को पकड़ने के लिए जो भागकर नीचे गया है। ये कहकर प्लेग्यू डॉक्टर गुल्ली को पकड़ने के लिए नीचे जाने लगता है। इधर गुल्ली और सोन छत से नीचे जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अरे ये क्या, इस तरफ तो बालकनी ही नहीं है, इसका मतलब ये लोग छत पे फंस चुके हैं। तभी इन लोगों को ऐसा लगता है कि छत के ऊपर कोई आ रहा है। यही देखने के लिए ये लोग भागते हुए सीढ़ी के पास आते हैं। यहाँ आते ही इन लोगों ने जो देखा उसे देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये क्या, गुल्ली और सोन ने देखा कि बड़े मूंछ वाले आदमी ने तो इन लोगों को देख लिया है और ये चाकू लेकर ऊपर ही आ रहा है। लगता है अब गुल्ली और सोन बचेंगे नहीं। अरे वाह, गुल्ली ने तो गुस्से में आकर सीढ़ी को ही ढकेल दिया, जिससे ये आदमी सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिर गया और ये वापस भी नहीं उठ रहा है। ये तो गुल्ली और सोन को मारने के लिए छत के ऊपर जा रहा था, लेकिन लगता है अब ये हमेशा के लिए ऊपर जा चुका है। जल्दी चलो गुल्ली, बालकनी में कूदकर नीचे चलते हैं, लगता है प्लेग्यू डॉक्टर गुल्ली को पकड़ने गया है, हमें जल्दी गुल्ली को बचाना होगा। ये कहकर ये लोग बालकनी में कूद जाते हैं और गुल्ली को बचाने के लिए जाने लगते हैं। इधर प्लेग्यू डॉक्टर बुल्ली को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है, लेकिन इसे बुल्ली कहीं नहीं दिख रहा है। तभी ये बड़े मूंछ वाले आदमी को देखता है जो कि सीढ़ी के साथ नीचे गिरा हुआ है। ये देखकर प्लेग्यू डॉक्टर गुल्ली बुल्ली और सोन पे बहुत गुस्सा हो जाता है और पहले गुल्ली और सोन को मारने के बारे में सोचता है जो कि छत के ऊपर है। प्लेग्यू डॉक्टर छत पे जाने ही वाला था कि तभी इसे कुछ दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये तो गुल्ली है जो कि गाड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन ये इतने गुस्से में क्यों लग रहा है। तभी यहाँ गुल्ली और सोन भी आ जाते हैं। प्लेग्यू डॉक्टर इन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब ये गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों को मार देगा। अरे ये क्या, बुल्ली ने तो गाड़ी से प्लेग्यू डॉक्टर को ठोक दिया, जिससे प्लेग्यू डॉक्टर दूर जाकर गिरता है। लेकिन अरे ये क्या, ये तो वापस से उठकर खड़ा हो रहा है, लगता है इसे कुछ भी नहीं हुआ। प्लेग्यू डॉक्टर इतना बड़ा डरपोक आदमी है, ये तो गुल्ली बुल्ली और सोन को पता ही नहीं था, वो तो इन लोगों से डरकर यहाँ से भाग गया। तभी सोन को पेड़ के पास गिरे हुए कुछ आम दिखाई देते हैं। वो देखो गुल्ली बुल्ली, वहाँ चार आम गिरे हुए हैं, चलो जल्दी उसे लेकर यहाँ से चलते हैं। और फिर ये लोग आम लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत ही कम फॉलोवर्स हैं तो जाके फॉलो कर लें, वहाँ मैं आप लोगों से बात भी करूंगा। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगली वीडियो में आए तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर अपना नाम कमेंट कर दें।